डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी स्कूल ऑफ झारखंड। आज के इस वीडियो में हम आपकी अंग्रेजी किताब में दिए गए यूनिट 5A द फ्लाइंग मशीन के बारे में बातें करेंगे। द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज रे डॉगलस ब्रैडबरी। ही वॉज बोर्न ऑन 22 August 1920 and died on June 5, 2015. He was an American fantasy, science fiction, horror and mystery fiction author. Fahrenheit 451 is one of the best known novels. The Flying Machine. Before you read, for thousands of years, only birds flew, and all a mind could do was stand stranded beneath the vaulted heavens, dreaming of one day taking to the skies as well. From the earliest times, there have been legends of men mounting flying devices or strapping bird-like wings, stiffened cloaks or other devices to themselves and attempting to fly, typically by jumping off a tower. The Greek legend of Daedalus and Icarus is one of the earliest to come down to us. Read one such Chinese story. आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हजारों साल तक सिर्फ चिड़िया ही उड़ पाती थी। मनुष्य गुंबदाकार आसमान या स्वर्ग के नीचे खड़ा आसमान में उड़ने का सिर्फ सपना देख रहा था। सभ्यता के शुरू से ही महान व्यक्तियों ने उड़ने का प्रयास किया है। कैसे? उड़ने वाले यंत्र में सवार होकर या पंख जैसी पट्टी बांधकर या कड़ा या मजबूत कपड़ा खुद से बांधकर या फिर कोई दूसरा यंत्र द्वारा। उड़ने के लिए वे सामान्यतः टावर में चढ़कर कूदते थे। ग्रीक के महान व्यक्तियों में सबसे पहले जो हमारे पास आए थे वे हैं डैडलुस और आइकेरस। द फ्लाइंग मशीन इसी प्रकार की चीनी कहानी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन 400 AD, एम्परर युआन हेल्ड हिज थ्रोन बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द लैंड वॉज ग्रीन विथ रेन रेडिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स द हार्वेस्ट एट पीस। द पीपल इन हिज डोमिनियन वर नाइदर टू हैप्पी नॉर टू सैड। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे of the first week of the second month of the new year, Emperor Yuan was sipping tea and fanning himself against a warm breeze when a servant ran across the scarlet and blue garden tiles, calling, "O Emperor, Emperor, a miracle!" यहाँ पर आपको दो नए words दिए हुए हैं। पहला है डोमिनियन, इसका मतलब है साम्राज्य। दूसरा स्कारलेट, इसका मतलब है गहरा लाल। आइए इन पंक्तियों में क्या कहा गया है हम लोग चर्चा करते हैं। सन 400 ईस्वी में सम्राट युआन का साम्राज्य चीन के महान दीवार के पास में था। यहाँ की जमीन पर हरियाली छाई हुई थी और फसल कटाई का समय निकट आ रहा था। उस साम्राज्य में लोग ना ज्यादा खुश थे और ना ज्यादा दुखी। नए साल के दूसरे महीने के पहले सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह सम्राट चाय की चुस्की ले रहे थे और गर्मी होने के कारण पंखे की मदद से खुद को राहत दे रहे थे। तभी एक नौकर सम्राट सम्राट चिल्लाता हुआ
उनके पास आया। Let us read ahead. Yes, said the Emperor Yuan, the air is sweet this morning. No, no, a miracle, said the servant, bowing quickly. And this tea is good in my mouth. Surely that is a miracle. No, no, Your Excellency. Let me guess then. The sun has risen and a new day is upon us. Or the sea is blue. That now is the finest of all miracles. Excellency, mine is flying. What? The emperor stopped his fan. I saw him in the air. A man is flying with wings. I heard a voice call out of the sky, and when I looked up, there he was, a dragon in the heaven with a man in its mouth, a dragon of paper and bamboo, colored like the sun and the grass. In paragraphs mein hum ek naya shabd seekhenge, wo hai excellency, iska matlab hai maharaj ya mahamahim. आइए चर्चा करते हैं। यह सम्राट और नौकर के बीच वार्तालाप हो रहा है। चमत्कार चमत्कार सुनकर सम्राट ने कहा कि आज सुबह हवा बहुत ही मीठा है। इस पर नौकर सिर झुकाकर कहता है, नहीं महाराज, मैं चमत्कार की बात कर रहा हूँ। इसके जवाब में सम्राट कहते हैं कि चाय बहुत मीठी है, अच्छी है, और यही चमत्कार है। आगे कहते हैं, सूर्य का उदय हो चुका है और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, या समुद्र नीला है, ये सभी चमत्कारों से भी बढ़कर है। इस पर नौकर ने कहा, महाराज, एक आदमी उड़ रहा है। यह सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गए और पंखा चलाना बंद कर दिया, जैसे पुराने ड्रैगन के जमीन पर नया ड्रैगन। नौकर आगे कहता है कि वो उसे हवा में पंखों की मदद से उड़ते हुए देखा। आसमान से एक आवाज़ आई। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो एक ड्रैगन अपने मुंह में एक आदमी को रखकर उड़ रहा था। यह ड्रैगन कागज और बांस से बना हुआ था और इसे लाल और हरा रंग से रंगा गया था। Let us read ahead. Do you mean a man has been flying? What nonsense! It is early, said the emperor, and you have just wakened from a dream. It is early. But I have seen what I have seen. Come, and you will see it too. Sit down with me here, said the emperor. Drink some tea. It must be a strange thing, if it is true, to see a man fly. You must have time to think of it, even as I must have time to prepare myself for the sight. They drank tea. Please, said the servant at last, or he will be gone. The emperor rose thoughtfully. Now, you may show me what you have seen. आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सम्राट और नौकर के बीच वार्तालाप जारी है। महाराज आदमी की उड़ने की बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, अभी अभी सुबह हुई है और तुम सपने से जागे हुए हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। नौकर अपनी बात पर अडिग है। वो महाराज को चलकर देखने को कहता है। वो नौकर को चाय पीने के लिए बैठने के लिए कहता है। सम्राट कहते हैं, यदि आदमी सच में उड़ रहा है तो ये बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय
बात है। नौकर के कहने पर वो खुद चलकर देखने के लिए तैयार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। They walked into a garden across a meadow of grass, over a small bridge, through a grove of trees, and up a tiny hill. There, said the servant. The emperor looked into the sky, and in the sky, laughing so high that you could hardly hear him laugh, was a man. And the man was clothed in bright papers and reeds to make wings and a beautiful yellow tail, and he was soaring all about like the largest bird in a universe of birds, like a new dragon in a land of ancient dragons. आइए इन पंक्तियों के पैराग्राफ्स पर हम चर्चा करते हैं। वे एक बाग, घास का मैदान, एक छोटा पुल और पेड़ों के छोटे समूह को पार करते हुए एक छोटी पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। वहां से वह उड़ने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। वह जोर जोर से हंसता है। वह चमकीले कागज के वस्त्र पहने हुए था और सरकंडे की मदद से पंख और पीले रंग का पूंछ बनाया हुआ था। वह हवा में एक बड़ी सी चिड़िया जैसे बहुत ऊपर उड़ रहा था, जैसे पुराने ड्रैगन के जमीन पर नया ड्रैगन। Let us read ahead. The man called down to them from high in the cool winds of morning. I fly, I fly. The servant waved to him. Yes, yes. Emperor Yuan did not move. Instead, he looked at the Great Wall of China, now taking shape in the farthest mist in the green hills. That splendid snake of stones, which writhed with majesty across the entire land. He saw that wonderful wall which had protected them for a timeless time from enemy attacks and preserved peace for uncountable years. He saw the town nestled to itself by a river and a road and a hill beginning to waken. आइए यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या बताया जा रहा है हम चर्चा करते हैं। उड़ने वाला व्यक्ति अपनी खुशी जाहिर करता है। सम्राट अपने जगह से नहीं हटते हैं। वो पत्थर के सांप को देखते हैं, जो पूरे क्षेत्र में गरिमा के लिए जाना जाता था। वो विशाल चीन की दीवार को देखते हैं, जो उनको वर्षों से दुश्मनों से बचाया है और जिसके कारण लोग वहां शांति में जी रहे थे। फिर वो एक शहर को जागते हुए देखते हैं, जहां नदी, सड़क और पहाड़ी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। टेल मी, he said to his servant, has anyone else seen this flying man? I am the only one, excellency, said the servant, smiling at the sky, waving. The emperor watched the heaven another minute and then said, call him down to me. Ho, come down, come down. The emperor wishes to see you, called the servant, hands cupped to his shouting mouth. चले चर्चा करते हैं। सम्राट पूछते हैं उस नौकर से, क्या किसी ने उस उड़ते हुए व्यक्ति को देखा? जवाब में नौकर कहते हैं, नहीं। सम्राट ने उसे नीचे बुलाने को कहा। नौकर चिल्लाकर उसे सम्राट के मिलने की इच्छा के बारे में
बताया। Let us read ahead. The emperor glanced in all directions while the flying man sawed down the morning wind. He saw a farmer early in his fields watching the sky, and he noted where the farmer stood. The flying man alit with a rustle of paper and a creak of bamboo reeds. He came proudly to the emperor, clumsy in his rig, and at last bowed before him. आइए यहाँ पर दो नए शब्दों को हम सीखेंगे। रिग, रिग मतलब होता है एक औजार। अलिट, अलिट मतलब नीचे आया। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जब वो व्यक्ति, उड़ने वाला व्यक्ति नीचे आ रहा था, सम्राट चारों तरफ अपनी नजर को दौड़ाते हैं। एक किसान खेत में दिखाई देता है। जैसे जैसे वो उड़ने वाला व्यक्ति निकट आ रहा था, कागज की सरसराहट और बांस की चरचराहट की आवाज सुनाई दी। वह सम्राट के पास गर्व के साथ आता है और सर झुकाता है। Let us read ahead. What have you done? Demanded the emperor. I have flown in the sky, your excellency, replied the man. What have you done? Said the emperor again. I have just told you, cried the flyer. You have told me nothing at all. The emperor reached out a thin hand to touch the pretty paper and a bird-like keel of the apparatus. It smelled cool of the wind. दो नए शब्द हम सीखते हैं यहाँ पर। कील, कील का मतलब होता है पेंदा या आधार। apparatus का मतलब होता है यंत्र। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर उस उड़ने वाले व्यक्ति और सम्राट के बीच में वार्तालाप होती है। सम्राट दो बार उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुमने क्या किया है? जवाब में वो कहता है कि वो आसमान में उड़ रहा था। सम्राट उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर उसके उपकरण के निकट जाते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि सवेरे का समय था और राजा या सम्राट चाय पी रहे थे। उसी समय एक नौकर चमत्कार चमत्कार चिल्लाते हुए उसके पास आया और उस उड़ते हुए व्यक्ति के बारे में वो बता रहा था। लेकिन सम्राट उसकी बातों में विश्वास नहीं कर रहा था। दोनों में बातचीत होती है और अंत में सम्राट उनकी बातों में विश्वास करते हैं और उसको खुद चलकर अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार होते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं और चलकर उस उड़ते हुए व्यक्ति को देखते हैं। सम्राट उस नौकर से कहते हैं कि उस उड़ते हुए व्यक्ति को नीचे बुलाओ। वो नीचे बुलाता है। उसके बाद में उस उड़ने वाला व्यक्ति और सम्राट के बीच में बातचीत होती है।